हेलो बोंदरा चैनल में स्वागत है। देखिए मेकअप प्रोडक्ट्स जो हम लगाते हैं वो सारे हमको फेस पे ही लगाने होते हैं, कहीं और तो लगा सकते नहीं है। लेकिन उसका जो टेक्निक्स होता है कलर प्रेसिंग करने का वो अलग अलग होता है। इसीलिए ट्यूटोरियल्स में बताया जाता है कि कौन सा कलर कहाँ पे लगाने से आपका आई लुक या फिर मेकअप लुक अच्छा लगे। मैंने यहाँ पर गार्नियर का यूवी रे वाला जो लेमन एक्सट्रैक्ट है वो मॉइस्चराइज़र का यूज़ किया है। ये मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप चाहे तो इसका रिव्यू देख सकते हैं, मेरे चैनल में ऑलरेडी है। फिर मैंने यहाँ फाउंडेशन का अप्लाई किया है, मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्सीलर लगा रही हूँ अपने आईलिड पे, अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ पहले अपने फिंगर से, उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने अपने अंडर आई में भी थोड़ा सा कॉन्सीलर का अप्लाई किया है क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स ज़्यादा नहीं तो दिखेंगे। यहाँ पे एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, अगर आप कोई डीप कलर का आई शेडो लगा रहे हैं आपको कॉन्सीलर लगाना ज़रूरी है। फिर पाउडर की मदद से मैं अपने पूरे फेस को लॉक कर रही हूँ क्योंकि जो क्रीम प्रोडक्ट्स है नहीं तो वो क्रीज करेगा। उसके बाद एक ब्राउन कलर का आई शेडो लेके मैं अपने क्रीज लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ ताकि एक डेप्थ मिले और मेरा जो आई शेडो है वो अच्छे से दिखे। उसके बाद मैं एक बहुत ही लाइट कलर का स्काई ब्लू कलर लगे पूरे आईज़ में मैं लगा रही हूँ उसी फ्लफी ब्रश की मदद से। उसके बाद देखिए मैंने वही कॉन्सीलर का अपने आईलिड पे यूज़ किया है ताकि मैं जो डार्क ब्लू कलर प्लेस करूँगी वो वहाँ पे आराम से बैठे और जो कलर है वो पॉप आउट करके दिखाई दे, ना कि वो दूसरे कलर्स के साथ ब्लेंड हो जाए। इसलिए मैंने अपने सिर्फ आईलिड पे कॉन्सीलर का अप्लाई किया है। फिर यहाँ पे एक टिप मैं बताती हूँ, अगर आपको वी शेप देना है अपने आई शेडोज़ को तो यहाँ पे आपको कोई भी सेलो टेप या फिर कार्ड की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कॉन्सीलर लगा लीजिए वी शेप देके और उसे अच्छे से ब्लेंड ज़रूर करिएगा, विदाउट ब्लेंडिंग छोड़ मत दीजिएगा नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं उसी डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पहले उसको ब्लेंड करूँगी और उसके बाद पाउडर से कंसील कर लूँगी। देखिए फिर मैंने यहाँ पे एक सेटिंग स्प्रे की मदद से अपने ब्रश को गीला कर लिया है। आपके पास अगर सेटिंग स्प्रे नहीं है तो पानी की मदद से भी गीला कर लीजिए और उसके बाद आपको आई शेडो लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपको ज़्यादा फॉल आउट नहीं होंगे। मैंने यहाँ पे एक डीप आइस ब्लू कलर लिया है, पूरा नेवी ब्लू कलर नहीं है, ये जो आइस ब्लू कलर है। फिर उसके बाद मैंने अपने हाईलाइट कर लिया है अपने इनर कॉर्नर्स को। उसके बाद मैं अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ और अपलब्ध चिक्स पे भी थोड़ा सा कर लिया है हाईलाइटिंग ताकि थोड़ा सा ग्लैमरस दिखाई दे। उसके बाद कॉन्टोरिंग एज यूजुअल प्लेस में जहाँ पे मैं करती हूँ। बेस मेकअप मेरा पूरा चैनल में दूसरे वीडियोस में डिटेल में है, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। आईलाइनर ट्यूटोरियल भी अलग से है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फेस पे पूरा अपना सेटिंग्स पे अप्लाई कर लिया है। उसके बाद देखिए ये जो डार्क मरून कलर, ये कितना ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा है इस आई लुक के साथ। अगर आप लोगों को ऐसा लिपस्टिक लगाना नहीं है तो आप न्यूट कलर भी यूज़ कर सकते हैं और पिंक, कोई भी कलर आप चाहे तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा मेरा फाइनल लुक। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और जाते टाइम सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियोज़ लेके मैं दूसरी बार आ जाऊँगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके व्यूज़ अच्छे लगे बुरे लगे जो भी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।